Hello friends, welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. In the previous lecture, I had discussed about GK of Chhattisgarh. If you have not gone through it, then click on the I button. आज इस वीडियो में हम जनरल एग्रीकल्चर कवर करने वाले हैं. यह लेक्चर स्पेशली डिजाइन किया गया है CGADA के लिए, लेकिन जो कोई भी एनी अदर एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होने वाला है. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. पहला यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इसमें पहला टॉपिक है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया एंड द रिलेशनशिप टू क्रॉप ग्रोथ. एग्रो इकोलॉजिकल रीजन किसने दिया था? NBSS एंड LEP, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने. और 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया था इंडिया को. 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फिजियोग्राफी एंड बायोक्लाइमेट. सो डेफिनेशन क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट ऑन अर्थ सर्फेस कार्व्ड आउट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स व्हेन सुपरइम्पोज्ड ऑन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड सॉइल कंडीशंस दैट एक्ट एज मॉडिफायर ऑफ क्लाइमेट एंड LGP. ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन का जो भी मतलब इंटरसेक्शन है, जो कि सेम सॉइल फिजियोग्राफी एंड बायोक्लाइमेट जिस जगह पे है, तो उसको लेके एग्रो इकोलॉजिकल जोन मतलब दिया था NBSS एंड LUP ने. देन LGP, ये LGP क्या है? लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इज द पीरियड फॉर क्रॉप ग्रोथ व्हेन प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ PET प्लस द टाइम रिक्वायर टू इवापोरेट 100 mm स्टोर सॉइल मॉइस्चर फ्रॉम रूट जोन. ठीक है, क्या है LGP? LGP है कि जितना दिन तक प्रेसिपिटेशन ग्रेटर देन हाफ ऑफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, ठीक है, प्लस जितना दिन तक सॉइल में जो रूट जोन में जो भी मॉइस्चर है उसको 100 ml को इवापोरेट करने के लिए कितना दिन लगता है. ठीक है, ये LGP है. ये क्या डिसाइड करता है कि कितना दिन जो रूट है उसको सफिशियंटली मॉइस्चर अवेलेबल होगा सॉइल से. ठीक है, तो इसके हिसाब से इकोसिस्टम, 6 इकोसिस्टम है. एरिड इकोसिस्टम लेस देन 90 डेज LGP, सेमी एरिड इकोसिस्टम 90 to 150, सब ह्यूमिड इकोसिस्टम 150 to 180 डे. देन ह्यूमिड, परी ह्यूमिड, कोस्टल इकोसिस्टम एंड आइलैंड इकोसिस्टम, ऑल ऑफ देम हैव LGP मोर देन 210. सो इसमें से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एरिड इकोसिस्टम में हम मोनोक्रॉप ले सकते हैं. ठीक है, 90 डेज जैसे 90 डेज से लेस है, तो फिर सेमी एरिड और सब ह्यूमिड में जैसे एक मोनोक्रॉप ले लिए और एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले लिए. ठीक, उसके बाद ये तीनों में हम डबल क्रॉप और ट्रिपल क्रॉप भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, और एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ये हो गया एग्रो इकोलॉजिकल जोन. एग्रोक्लाइमेटिक जोन प्लानिंग कमीशन से दिया था 1988 में, 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. ठीक है, ये है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन. ठीक, उसके बाद लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, देन ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल, सेंट्रल प्लेट्यू, ओके, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल, साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल, ईस्ट कोस्ट एंड प्लेन, वेस्ट कोस्ट एंड प्लेन. ठीक है, उसके बाद गुजरात प्लेन एंड हिल्स, देन वेस्टर्न ड्राई रीजन, देन आईलैंड रीजन. ओके, दीज आर द 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया. ईस्टर्न हिमालयन रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ट्रांस गैंगेटिक प्लेन हैज हाइस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी अमॉन्ग ऑल अदर एग्रोक्लाइमेटिक जोन. आईलैंड जोन इज नोन फॉर कोकोनट प्रोडक्शन. देन गुजरात प्लेन एंड हिल्स आर नोन फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन. ओके, ऑयल सीड जोन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल सीड जोन. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, सो क्रॉप क्या है? क्रॉप इज अ प्लांट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कल्टिवेटेड ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज लाइक सच एज फूड, फोडर, फाइबर एंड कैश. क्रॉप क्या है? जो कि एक इकोनॉमिक पर्पज, एक प्लांट है जिसको हम ग्रो करते हैं फॉर एक इकोनॉमिक पर्पज और फॉर ओन कंजप्शन, लाइक हम लोग खाते हैं कुछ, नहीं तो फोडर कंजप्शन, फोडर टाइप लाइक टू फीड कैटल्स, देन फाइबर और कैश, दिस इज नोन एज क्रॉप. ओके, सो कल्टिवेशन क्या है? कल्टिवेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ बोथ क्रॉप्स एंड इट्स माइक्रो एनवायरमेंट. कल्टिवेशन क्या है? जितना भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम टिलेज टू सोइंग टू स्पेसिंग, इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट, सब में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि उसका माइक्रो एनवायरमेंट चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं टू ऑप्टिमाइज द न्यूट्रिएंट और जितना भी रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका ऑप्टिमाइज यूज के लिए. ठीक है, वो है कल्टिवेशन. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज टू गेट मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड फ्रॉम अवेलेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्रॉप प्रोडक्शन का? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मतलब हम जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको लेके हम मिनिमम कॉस्ट में कैसे हायर इकोनॉमिक यील्ड मिल सकता है हमको. ठीक है, यह है बेसिक प्रिंसिपल. सो फैक्टर्स क्या क्या डिपेंड करते हैं क्रॉप ग्रोथ में? वन इज जेनेटिक फैक्टर, जो कि इंटरनल फैक्टर है.
जैसे कि हाई यील्ड पोटेंशियल हो गया, इसका यील्ड ज़्यादा होगा। एंड रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंटीबायोटिक स्ट्रेस, कुछ कुछ वेराइटी और प्लांट ऐसे हैं जो कि बायोटिक एंटीबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्ट कर सकते हैं। देन वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सीजन जिबरेलिन साइटोकाइनिन जो कि ग्रोथ एनहांसर है, एंड एथिलीन एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड अदरवाइज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेस के दौरान ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड एक्सेट्रा। देन एडाफिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर में सॉइल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट सप्लाई, सॉइल रिएक्शन, सॉइल एयर, सॉइल बायोटिक फैक्टर्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर द क्रॉप ग्रोथ फैक्टर्स। देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैक, स्पैक क्या है? सॉयल, प्लांट, एटमोसफियर, कंटिन्यूम, ठीक है, यह है स्पैक, ठीक है। स्पैक इसका मतलब क्या है? सॉयल, प्लांट, एटमोसफियर, कंटिन्यूम से क्या समझ में आता है कि जो भी वाटर है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से कैसे मिट्टी में आता है, फिर मिट्टी में कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होकर कैसे प्लांट के अंदर जाता है, या फिर मिट्टी से कैसे इवापोरेट होता है, प्लांट से कैसे ट्रांसपिरेशन से इवापोरेट, ट्रांसपिरेशन से फिर एटमॉस्फेयर चला जाता है, ये है सॉयल, प्लांट, एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूम का मेन उसका मकसद, ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर, उससे फिर रेनफॉल होके, प्रेसिपिटेशन होके सॉयल में ये हो गया इन्फिल्ट्रेशन या फिर रन ऑफ हो जाता है, फिर इसमें परकुलेशन होता है, तो सीपेज होता है, ठीक है, ये फिर प्लांट रूट देके फिर ट्रांसपिरेशन होता है यहाँ से, फिर यहाँ से इवेपोरेशन होता है, ये सब होता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हो गया सॉयल, प्लांट, एटमोसफियर, कंटिन्यूम। सॉयल वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, जो कि प्योर वाटर में होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है, ये हाईएस्ट है। एंड अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर इज द फंक्शन ऑफ प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉयल प्रॉपर्टीज, वेदर कंडीशन। एंड वाटर इसका बॉन्ड एंगल जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल है वो है 105 डिग्री। देन इट हैज़ पोलारिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है हाइड्रोजन में, तो इसका पोलारिटी शो करता है। देन आधेशन इज द अट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉयल और वाटर का अगर जो अट्रैक्शन है वो आधेशन है, कोहेशन है, सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन जो है कोहेशन है, और सरफेस टेंशन, ठीक है, ये वाटर का प्रॉपर्टीज है। देन सॉयल इज ए थ्री फेजिक सिस्टम। थ्री फेजिक कैसा है? सॉयल वाटर है, सॉयल एयर है, सॉयल सॉलिड है, ठीक है। देन टेक्सचर, टेक्सचर क्या है? जो सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन है, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका अरेंजमेंट, बल्क डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम, मास मतलब मास ऑफ सॉयल बाय वॉल्यूम इंक्लूडिंग पोरोसिटी। एंड पोरोसिटी क्या है? 1 - BD बाय पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, यह है पोरोसिटी। सॉयल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? जिसका वाटर पोटेंशियल -0.33 bar से लेस होगा, ठीक है, और कैपिलरी 0 - 0.33 bar से -31, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक -31 bar, ठीक है, ये सब सॉयल वाटर है। और वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर होता है। अवेलेबल वाटर किसको बोलते हैं? जो कि -0.33 से -15 bar तक, ठीक है, और जो कैपिलरी वाटर, अनअवेलेबल वाटर जो कि -15 bar से ज़्यादा होगा और -0.33 से कम होगा, जो कि ग्रेविटेशन वाटर वो अनअवेलेबल होता है, ठीक है। देन प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न, मॉइस्चर सेंसिटिव, पीरियड्स, ठीक है, ये सब कंसिडर में लिया जाता है जब वाटर अवेलेबिलिटी को हम कंसिडर करते हैं। देन इन्फिल्ट्रेशन क्या है? एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉयल, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन, ओके। जब रेनफॉल होता है तो जब सॉयल प्रोफाइल में ये एंटर होता है, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? इनसाइड सॉयल प्रोफाइल, फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल जब वाटर मूव करता है, दैट इज पर्कुलेशन, ठीक है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन सॉयल के अंदर होता है, इवापोरेशन, इवापोरेशन फ्रॉम सॉयल, देन ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट, ओके। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैक। देन यील्ड एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? एनी एनवायरमेंटल फैक्टर पोटेंशियली अनफेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम हमारे ह्यूमन के केस में कोई आपके ऊपर दबाव पकाएगा तो स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, आपको खुला छोड़ देगा तो आप आराम से घूमेंगे, ये करेंगे, ठीक है। जो भी फैक्टर, आपको मनी, पैसा नहीं मिलेगा, वो एक स्ट्रेस है। आपको गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाएगा, वो एक स्ट्रेस है। बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाएगा लड़कियों का, वो एक स्ट्रेस है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट स्ट्रेस। सो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन प्लांट इज कॉल्ड स्ट्रेन। टू टाइप ऑफ स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है? जब हम स्ट्रेस निकाल देंगे तो प्लांट नॉर्मली ग्रो करेगा, वो है इलास्टिक स्ट्रेन। एंड जब प्लास्टिक स्ट्रेन मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो प्लांट सफर्स, ओके। सो दीज आर टू टाइप्स, बायोटिक स्ट्रेस एंड अबायोटिक टाइप्स। अबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस में बैक्टीरिया, फंगस, हर्बीवोर पेस्ट,
वायरस, वीड्स, दिस आर बायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, ये होने से भी प्लांट के ऊपर बहुत नुकसान होता है प्लांट का। देन अबायोटिक स्ट्रेस में ड्रॉट, फ्लड, मेटल टॉक्सिसिटी, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड, दिस आर वाटर, दिस आर अबायोटिक स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस रेस्पॉन्स कैसा होता है, प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? वन इज स्ट्रेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होने से एक्लिमेट करेगा प्लांट, ग्रोथ होगा और सर्वाइव करेगा। देन ससेप्टेबिलिटी, उसके बाद सेनेसेंस, देन डेथ, जो प्लांट ससेप्टेबल हो गया वो डेथ हो जाएगा, फिर अवॉइड करेगा तो सर्वाइवल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस रेस्पॉन्स। दिज आर द सम ऑफ द रेस्पॉन्स और इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस यू कैन सी हियर फ्रॉम, ओके, लाइक इन हीट देर इज ऑस्मोलाइट सिंथेसिस, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, एंजाइम डिटॉक्सिफिकेशन, आयन ट्रांसपोर्ट, देन इन ड्रॉट देर आर इंडक्शन ऑफ एक्लिमेशन, सिंथेसिस ऑफ हीट्स ऑफ प्रोटीन, इंडक्शन ऑफ प्रोटीन रिपेयर मैकेनिज्म, दैट इज हीट, हीट स्ट्रेस। देन ड्रॉट स्ट्रेस में स्टोमेटल क्लोजर, रोलिंग ऑफ लीव्स, स्ट्रेस रेस्पॉन्सिव एंजाइम्स, इंडक्शन ऑफ ऑस्मोलाइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लड, दीज आर, सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस, ये हो गया। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ओके, मैं क्यों इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको कवर करना है ये सारे टॉपिक्स जो कि विद इन सम आवर्स आर सो। तो आपको अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो फिर आप एक काम कीजिए, इसका पॉज करके इसको थोड़ा सा लिख लीजिए या फिर उसको देख लीजिए अच्छे से, सुन लीजिए अच्छे से, तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हम जल्दी जल्दी कवर करने के चक्कर में जा रहे हैं तो, ठीक, ओके। सो क्रॉपिंग सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम इज द क्रॉपिंग पैटर्न यूज इन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विथ फार्म रिसोर्सेज, अदर फार्म एंटरप्राइज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमिन देयर मेकअप। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? इज द ईयरली सिक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग क्रॉप एंड फेलो ऑन ए गिवन एरिया, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न पता चल गया, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, ये क्रॉपिंग पैटर्न जो फॉलो होता है फार्म में, उसका उस फार्म में अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उसके साथ कैसा लिंक है, लिंकअप कैसा है, उसको क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। 30 मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स फाउंड इन इंडिया बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च, द मेन मेन द लार्जेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम दैट इज फाउंड इन इंडिया इज राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम, देन फॉलोड बाय राइस राइस, देन राइस चिकपी क्रॉपिंग सिस्टम। मोनोक्रॉपिंग कहाँ पे फॉलो किया जाता है, रिकमेंडेड है लेस दैन 600 mm जहाँ पे रेनफॉल होता है, इंटरक्रॉपिंग 600 to 800 mm, डबल क्रॉपिंग मोर देन 800 mm। इम्पोर्टेंस क्या है क्रॉपिंग सिस्टम में, क्रॉपिंग सिस्टम का इंपोर्टेंस क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन होता है, सॉइल कंजर्वेशन होता है, ब्रेक ऑफ पेस्ट, देन इंक्रीज रेडिएशन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज वीड कंट्रोल, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट बेनिफिट्स है क्रॉपिंग सिस्टम का। तो इंटरक्रॉपिंग कब एडवांटेजेस होगा, जब एल ईयर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFS, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, तो IFS कंबाइंस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एग्रो एंटरप्राइजेस लाइक लाइफ स्टॉक, एक्वा कल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप हस्बेंड्री, एग्रो इंडस्ट्री, मशरूम, बायोगैस, सेरिकल्चर, एमिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाई रिसोर्स रिसाइकलिंग एंड ऑन फार्म रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। IFS समटाइम्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइफ स्टॉक सिस्टम और इंटीग्रेटेड बायो सिस्टम और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एडवांट। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एग्रो एंटरप्राइजेस जो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसका एडवांटेजेस है, ये सब कंसिडर करके हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है। IFS में क्या एडवांटेजेस हैं, रेगुलर इनकम होता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल जाता है, इको रिसाइकलिंग, मिनिमाइज पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, इंप्रूव्स माइक्रो क्लाइमेट एंड मिनिमाइज रिस्क ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ये देखो, ये एक IFS मॉडल है, हाँ, जिसमें काउसेड हो गया, उसके बाद बायोगैस, काउसेड से बायोगैस आ गया, ठीक है, बायोगैस का स्लरी जो पॉन्ड में फिश उसको कंज्यूम किए, फिर स्लरी आ गया वेजिटेबल गार्डन में, वो यूज हो गया, बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये स्मॉल IFS मॉडल है, ठीक है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपका मतलब जो समझ रहे हो वो क्या कि हम केमिकल सिंथेसाइज सिंथेटिक फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड कुछ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन और भी कुछ कुछ वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, जैसे कि GM क्रॉप्स हो गया, ग्रीन सॉरी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, देन सीवेज स्लज हो गया, सिंथेसाइज्ड एग्रो के इनपुट्स हो गया, केमिकल सिंथेसाइज एग्रो इनपुट, दीज आर लार्जली एक्सप्लोर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सर अल्बर्ट हावर्ड, ठीक है, मेन एम टू एनरिच सॉयल हेल्थ एंड अचीव सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रो इकोसिस्टम। फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या क्या प्रिंसिपल है, हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर, याद रख लेना। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, ये भी याद रख लेना, एंड नाइन्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया, टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया 2.78 मिलियन हेक्टर, ठीक है। सिक्किम इज द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट,
It was announced in 2016. Then major organic export from India: flax seed, soybean, tea, medicinal plant, rice, pulses. Government of India initiative for organic farming, mission organic food chain development for northeastern region, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. देन अंडर नेशनल मिशन ऑफ फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA 2015. देन परंपरागत कृषि विकास योजना इट इज ऑल्सो इनिशिएटिव फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग PKVY लॉन्च ड्यूरिंग 2015. ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क इन इंडिया, इंडिया का जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क है वो इंडिया ऑर्गेनिक है, ठीक है भाई. अपेडा, अपेडा क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्री अथॉरिटी, ठीक है. अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है. इसके अंडर में इंडिया ऑर्गेनिक जो है सर्टिफिकेशन प्रोड्यूस हुआ था 2002 में. देन नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है. इसका 6 रीजनल स्टेशन है जो कि बैंगलोर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर में है, ठीक है. नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इम्प्लीमेंटेड इन 2001 बाय अपेडा, ठीक है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट आईफोन, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? जर्मनी. एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1972, ठीक है. देन रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक, ये क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक इज एन अप्रोच टू डिजाइन रिसोर्स कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड सिक्स टू कंजर्व, इम्प्रूव एंड मेक मोर एफिशियंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ सॉयल, वाटर, क्रॉप्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन कॉम्बिनेशन विद सेलेक्टेड एक्सटर्नल इनपुट्स, ठीक है. इसका जरूरत क्या पड़ा? पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, जब ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या फंडा था कि न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिव वेराइटीज, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ज़्यादा यूज हुआ, उसमें हम फर्टिलाइजर इंडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, फिर प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है. तो उसका इम्पैक्ट क्या था कि मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया, फिर यील्ड स्टैग्नेशन हो गया, डिक्रीज पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी, वाटर टेबल. सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी. सो to sustain the system, we practiced conservation agriculture and resource conservation technology. These are the solutions, ठीक है. ये solution में क्या क्या आता है? Conservation agriculture में जैसे principle हो गया soil cover, minimum soil disturbance, crop rotation. Resource conservation technique में zero till seed drill, seed cum fertilizer drill, जैसे कि happy seeder हो गया, ठीक है. FIRB, furrow irrigated raised bed हो गया, laser land leveling, ठीक. उसके बाद rotary tillage हो गया, three system of rice intensification, LCC leaf color chart का use हो गया, INM, Integrated Nutrient Management, Integrated Plant Nutrition System, IPNS, Drip Cropping, Mulching. These are some resource conservation techniques. Okay, then tillage. Tillage क्या है? Tillage is derived from Anglo-Saxon word tillian or tillion. It's the physical manipulation of soil with tools and implements for obtaining condition that is tilled, ideal for seed germination, seedling establishment and growth of crop. Optimum जो कि tillage हो उसका क्या क्राइटेरिया है? माइक्रो पर और माइक्रो पर रेशियो हो गया 1:1 रहेगा, स्मॉल डायमीटर ऑफ सॉयल रहेगा फॉर ड्राई लैंड एंड ग्रेटर लाइक फाइव मोर देन 5 mm फॉर इरिगेटेड एरिया. बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ टिलेज, टिलेज इज डिवाइडेड एज इंटेंसिव और कन्वेंशनल टिलेज वेयर देर इज लेस देन 15% क्रॉप रेसिड्यू, रिड्यूस टिलेज वेयर 15-30% क्रॉप रेसिड्यू कवर, देन कंजर्वेशन टिलेज वेयर मोर देन 30% रेसिड्यू कवर इज देयर. देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, ठीक है, इसमें कंजर्वेशन टिलेज आ जाएगा जो कि रोज ऑन टिलेज, प्लाव प्लांट टिलेज, व्हील ट्रैक प्लांटिंग, जीरो टिलेज, स्टबल मल्च टिलेज और मिनिमम टिलेज आ जाएगा. मिनिमम टिलेज में क्या है? ओमिटिंग, आइदर वी कैन ओमिट द ऑपरेशन, आइदर हम लोग वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ ऑपरेशन ओमिट कर देंगे, नहीं तो कुछ ऑपरेशन कंबाइन कर लेंगे, ठीक है. टिलेज इम्प्लीमेंट्स, इसमें आ गया प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, जितना भी प्लावर्स है वो सब प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट आ जाएगा. सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स, इसमें हैरो और प्लैंक्स आ जाएंगे, ठीक है. जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिलेज आ गया, सॉरी, टाइप्स ऑफ टिलेज, प्रिपरेटरी कल्टिवेशन, आफ्टर कल्टिवेशन. प्रिपरेटरी में प्राइमरी, सेकेंडरी, लेआउट, सीड बेड. प्राइमरी में डीप टिलेज, सब सॉलिंग, ईयर राउंड टिलेज. ओके, दिस आर सम इंप्लीमेंट्स, MB प्लाव, देन दिस इज देसी प्लाव, देन डिस्क हैरो, वुडन प्लैंक. प्लैंक और हैरो ये सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है, और ये MB प्लाव, देसी प्लाव ये है प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट. ओके, एंड ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग. रेनफेड फार्मिंग का क्या मतलब है? जहाँ पे विदाउट रेन, सॉरी, विदाउट इरीगेशन हम लोग फार्मिंग करते हैं, ओनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. ओके, ओनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वेयर पोटेंशियल इवेपोरेशन ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन. ड्राई फार्मिंग एरिया जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 750 mm है, ड्राईलैंड फार्मिंग 750-1150 mm, रेनफेड फार्मिंग जहाँ पे ग्रेटर देन 1150 mm.
So 69.5% area in India under rainfed, contributing 42% of food grain. Okay. First dryland farming research center at established at Manjri, ठीक है, ये पुणे के पास है 1923 में. काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब एस्टेब्लिश 1959 में. इक्री सैड एस्टेब्लिश 1972 में. इकाडा एस्टेब्लिश 1977 में. इकाडा कहाँ पे है? अलेपो में है, ठीक है, अलेपो और सीरिया में. क्रीडा हैदराबाद में है, 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, चैलेंजेस ऑफ रेनफेड एरिया. रेनफेड एरिया में क्या क्या चैलेंज है? ड्राउट एंड वाटर स्कैरसिटी, पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी, डिक्लाइनिंग सॉयल हेल्थ एंड लैंड डिग्रेडेशन, एक्यूट फोडर शॉर्टेज एंड पुअर लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी. ठीक है, ड्राउट क्या है? ड्रॉट का जो क्लासिफिकेशन है, ड्यूरेशन के हिसाब से परमानेंट, सीजनल, कंटिजेंट एंड इनविजिबल. नेचर ऑफ यूजर के हिसाब से एटमोस्फेरिक, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल और सॉइल ड्रॉट. देन फिजिकल ड्रॉट एंड फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, रिलेटिव ड्रॉट. ठीक है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस. मॉइस्चर स्ट्रेस का इफेक्ट क्या है? ऑन प्लांट, डिक्रीज लीफ वाटर पोटेंशियल, रिलेटिव लीफ वाटर पोटेंशियल, टॉर्जिडिटी, लीफ एरिया एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ये सब डिक्रीज हो जाता है. कैनोपी टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है. रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, डिक्रीज ट्रांसपिरेशन गैस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है. इंक्रीज एसओडी, जो सम एंजाइम्स थे इंक्रीज देर एक्टिविटी, एसओडी कैटलेज, एबीए, प्रोलिन, बीटेन. ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या है? जो ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज एंटी ट्रांसपेरेंट. स्टोमाटल क्लोजिंग टाइप पीएमए, आर्ट्राजिन, फिल्म फॉर्मिंग टाइप सिलिकॉन, मोबिलिव, रिफ्लेक्टिंग टाइप केओलिन, सिलाइट, ग्रोथ रिटर्डेंट टाइप साइकोसेल. ठीक है, देन सॉइल फर्टिलिटी एंड पोरोसिटी. सॉइल फर्टिलिटी इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी इन सुटेबल प्रोपोर्शन, वेयर एज सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप. सॉइल फर्टिलिटी क्या है? जो कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज न्यूट्रिएंट इट ये सप्लाई कर सकता है प्लांट को, ठीक है, विथ पर्टिकुलर रेशियो. ठीक है, एडिक्वेट रेशियो, एडिक्वेट क्वांटिटी, ये है सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, और प्रोडक्टिविटी क्या है? उसका सॉइल का प्रोड्यूस, क्रॉप प्रोड्यूस करने का क्षमता जो है वो सॉइल प्रोडक्टिविटी है. ठीक है, सॉइल फर्टाइल सॉइल कैन बी प्रोडक्टिव, कैन नॉट बी, बट ए प्रोडक्टिव सॉइल इज ऑलवेज फर्टाइल. क्योंकि एक सॉइल जो कि प्रोड्यूस कर रहा है वो फर्टाइल नहीं होने से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन सॉइल फर्टिल जो फर्टाइल सॉइल है उसका इनहेरेंट कैपेबिलिटी है वो सप्लाई करने का, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का. लेकिन वो लिमिटेशन कुछ कुछ भी है जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाता है, जैसे कि वाटर लॉगिंग हो गया, इरोजन हो गया, इरोजन तो नहीं होगा, वाटर लॉगिंग हो गया, एसिडिटी, सैलिनिटी हो गया. ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कैन ओनली बी असेस इन लैबोरेटरी, बट प्रोडक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन इन फील्ड. फर्टाइल सॉइल मे नॉट, मे और मे नॉट बी प्रोडक्टिव, बट प्रोडक्टिव सॉइल मस्ट बी फर्टाइल वन. सॉइल फर्टिलिटी इज द फंक्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस, बट सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट. ओके, सॉइल फर्टिलिटी एनालिसिस. ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस के लिए वाकली एंड ब्लैक मेथड फॉलो किया जाता है. इंडिकेटर यूज होता है डीपीए, डाइफिनाइलामीन. अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए अल्कलाइन केमिनो फॉर डिस्टिलेशन, जेल डाल में डिस्टिलेशन करते हैं. ठीक है, अवेलेबल फॉस्फोरस के लिए ब्रेज एक्सट्रैक्टेंट यूज होता है एसिड सॉइल में, ओल्सन एक्सट्रैक्टेंट यूज होता है न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल में. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका एनालिसिस होता है, एस्टिमेशन होता है. अवेलेबल पोटेशियम के लिए एक्सट्रैक्टेंट हो गया वन नॉर्मल न्यूट्रल अमोनियम एस्टेट, देन फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं. ठीक है, अवेलेबल सल्फर के लिए एक्सट्रैक्टेंट हो गया कैल्शियम क्लोराइड, टर्बिडीमेट्री मेथड यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एस्टिमेशन होता है. अवेलेबल पोटर के लिए एक्सट्रैक्टेंट हो गया हॉट वाटर एक्सट्रैक्टेंट, देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका एस्टिमेशन के लिए यूज होता है. अवेलेबल आयरन, जिंक, मैंगनीज कॉपर के लिए डीटीपीए एक्सट्रैक्टेंट यूज होता है, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका एस्टिमेशन होता है. ठीक है, रेंज ऑफ फर्टिलिटी इंटरप्रिटेशन. ऑर्गेनिक कार्बन जब 0.5% से कम होगा तो उसको लेस बोलते हैं. ठीक है, लो ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस बोलते हैं, और 0.75 से ज़्यादा होगा तो उसको हाई ऑर्गेनिक कार्बन. रेंज है 0.5 to 0.7. ऑर्गेनिक मैटर कैसे निकालेंगे ऑर्गेनिक कार्बन से? ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724, इसको बोलते हैं वन बेमलेन फैक्टर. ठीक है, बेमलेन फैक्टर बोल के 1.724 को. अवेलेबल नाइट्रोजन का रेंज 280 to 560 केजी पर हेक्टर, अवेलेबल फॉस्फोरस 10 to 25 केजी पर हेक्टर, अवेलेबल पोटेशियम 118 to 280 केजी पर हेक्टर. ठीक है, तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर रोल एंड मैनेजमेंट. लॉ ऑफ एसेंशियलिटी कौन प्रपोज किया था? आर्नन एंड स्टाउट इन 1939. एसेंशियलिटी लॉ क्या क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट रेस्ट्रिक्ट वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव स्टेज. ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. देन कैनॉट बी फुलफिल्ड बाई अदर न्यूट्रिएंट एंड हैव डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म. ये है लॉ ऑफ एसेंशियलिटी. देर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्ले मेजर रोल इन प्लांट. ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. देर बेसिक न्यूट्रिएंट्स हो गया CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट NPK, ये है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है, सेकेंडरी मैक्रो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. प्राइमरी हो गया NPK, सेकेंडरी हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया
आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरोन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम एंड निकेल। ठीक है, मेंजेनल किर्कबी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोकेमिकल बिहेवियर, फोर ग्रुप्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेसिस में CHONS, एनर्जी ट्रांसफर के लिए PB, फॉस्फोरस एंड बोरन, ऑस्मोटिक एंड आयोनिक बैलेंस में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड क्लोरीन, चिलेट में आ गया चिलेट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आयरन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम। ठीक है, हो गया न्यूट्रिएंट फंक्शन। न्यूट्रिएंट फंक्शन क्या क्या है डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट का? नाइट्रोजन जो कि इसका फंक्शन है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल में सिंथेसिस में, फॉस्फोरस एनर्जी, DNA, RNA रूट ग्रोथ, पोटेशियम आयोनिक रेगुलेशन, डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस, कैल्शियम सेल डिवीजन, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल सिंथेसिस, राइबोसोम एंजाइमेटिक रिएक्शन, सल्फर एनर्जी, क्लोरोफिल एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस, आयरन एंजाइम कैरियर, पेरिडॉक्सिन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिंक एंजाइम प्रोडक्टिविटी, मैंगनीज एंजाइम एक्टिविटी, मैंगनीज फोटोलिसिस, ऑक्सीजन लेवल इन प्लांट, कॉपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन नोड्यूल फॉर्मेशन, बोरोन मेरिस्टेम ग्रोथ, नोड्यूल फॉर्मेशन, सुगर स्टार्च ट्रांसलोकेशन, मॉलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, क्लोरीन फोटोलिसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, निकेल यूरियस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, हाइड्रोजनेस। ठीक है, डेफिशिएंसी चार्ट, ये हो गया आपका डेफिशिएंसी चार्ट, इसमें देख लो। ठीक है, देन सॉइल वाटर रिलेशनशिप, स्पैक हम लोग देख लिए थे, सॉइल वाटर रिलेशन, सॉइल का वाटर के साथ, सॉइल वाटर उसका प्लांट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और सॉइल में, सॉइल का वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हो गया सॉइल वाटर रिलेशनशिप, जिसमें सॉइल में जो वाटर है उसका साथ जो सॉइल वाटर पोटेंशियल का रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं, सॉइल वाटर कंटेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वर्सेज सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल इन किलो पास्कल और मेगा पास्कल और बार वॉट एवर। ठीक है, दैट इज सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टर, दिस इज सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स सैचुरेटेड कंडीशन में और मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं, जहाँ पे 0 bar होता है फील्ड कैपेसिटी, -0.12, -0.33 bar, परमानेंट वेल्डिंग पॉइंट -15 bar, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट -31 bar, अल्टीमेट वेल्डिंग पॉइंट -60 bar, दीज आर द सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट। फॉर्म ऑफ वाटर इन सॉइल, ग्रेविटेशनल वाटर 0 to -0.33 bar, कैपिलरी वाटर -0.33 bar to -31 bar, हाइग्रोस्कोपिक वाटर -31 bar, देन अवेलेबल वाटर -0.33 bar to -0.5 bar, दैट इज फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, देन सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दैट इज रिलेशन बिटवीन सॉइल वाटर पोटेंशियल एंड वाटर कंटेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी, तीन कॉन्सेप्ट है जो कि इक्वली अवेलेबल फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दैट इज गिवन बाय फाइमेर एंड हेंड्रिक्सन। अवेलेबिलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दैट इज रिचर्ड बाय वाटले। इक्वली अवेलेबल, दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू क्रिटिकल। ठीक है, ये रिसेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, देन सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट कैसे करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड है जो कि ग्रेविमेट्रिक और थर्मोग्रेविमेट्री मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, 105 डिग्री सेल्सियस में उसको 24 आवर्स रखते हैं, फिर उसका जो जब वेट कॉन्स्टेंट हो जाता है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्री मेथड, और ओवन ड्राइंग हो गया, अल्कोहल बर्निंग हो गया, हॉट एयर ड्राइंग, जिप्सम सब्सम प्लग, इंफ्रारेड बैलेंस, दिस आर डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट मेथड में टेंसियोमीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिप्सम प्लग, ग्रैनुलर मैट्रिक सेंसर, डायलेटिंग मेथड, रेडिएशन, न्यूट्रन स्कैटरिंग, गामा रे एटेन्यूएशन, थर्मल हीट डिसिपेशन सेंसर, हीट कैपेसिटी सेंसर, सॉइल स्पेक्ट्रो साइक्रोमीटर, रिमोट सेंसिंग, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, दिस आर द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड का कैलिब्रेशन के लिए डायरेक्ट मेथड जरूरी होता है। ग्रेविमेट्री मेथड में हम पहले उसका मॉइस्चर कैलिब्रेशन कर्व निकालेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में हम वो कर सकते हैं। ठीक है, मॉइस्चर एस्टिमेशन कर सकते हैं। देन सॉइल वाटर मैनेजमेंट, ठीक, सॉइल वाटर मैनेजमेंट मतलब सॉइल वाटर कैसे आता है सॉइल में, फिर उसके बाद क्या क्या होता है, ये सारे होता है। ठीक है, उसको कैसे चेक करते हैं, जितना लॉस होता है उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे क्रॉप को क्रॉप के साथ उसको मैच करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है, वो हो गया सॉइल वाटर मैनेजमेंट। सो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में, एक तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर चला जाता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होके, प्रेसिपिटेशन होके वो सॉइल में आता है, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया, परकुलेशन हो गया, रन ऑफ हो गया। ठीक है, फिर रूट के थ्रू ट्रांसपिरेशन होके मॉइस्चर चला जाए, ये हो गया स्पैक का कॉन्सेप्ट हो गया। देन इन्फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ पेनेट्रेटिंग फ्रॉम ग्राउंड इनटू सॉइल, फैक्टर अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, कंडीशन ऑफ सॉइल सरफेस, वेजिटेटिव कवर, सॉइल प्रॉपर्टीज लाइक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, एंटीसेडेंट सॉइल मॉइस्चर। फोर जोन उसका है, सैचुरेटेड जोन, ट्रांसमिशन जोन, वेटिंग जोन एंड
वेटिंग फ्रंट, ठीक है, ये हो गया सैचुरेशन जोन, ये ट्रांसपिरेशन का जोन है, ठीक है, सॉरी इन्फिल्ट्रेशन का जोन है, देन ये ट्रांजिशन जोन है, ये ट्रांसमिशन जोन है, वेटिंग जोन है, ये वेटिंग फ्रंट है, ठीक। देन आ गया इरिगेशन मेथड्स, इस मेथड में सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप, सरफेस में फ्लडिंग, फोरो, कंटूर, फ्लडिंग में फिर वाइल्ड फ्लडिंग, कंट्रोल फ्लडिंग, देन कंट्रोल फ्लडिंग में फ्री फ्लडिंग, कंट्रोल लेटरल, बॉर्डर स्ट्रिप, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, जिगजैग मेथड, ठीक है। अब गया सॉयल वाटर मैनेजमेंट, लाइक सॉयल वाटर बैलेंस के लिए डेल एस प्लस डेल वी, ये हो गया 80 क्रॉप इज इक्वल टू 80 जीरो इंटू क्रॉप कोएफिशिएंट, वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वाटर ट्रांसपिरेशन प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस वाटर फॉर स्पेशल ऑपरेशन, वाटर रिक्वायरमेंट इज इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन। इरिगेशन शेड्यूलिंग में व्हाट इज इरिगेशन शेड्यूलिंग, व्हेन टू इरिगेट, लाइक टाइम व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, लाइक क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड हाउ टू इरिगेट, लाइक मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ये हो गया सॉयल वाटर मैनेजमेंट। वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, व्हाट इज वीड बायोलॉजी, वीड बायोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द वीड। वीड का जो एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस, ग्रोथ कैसा होता है, जर्मिनेशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, क्या है, ये सब स्टडी करने का जो प्रोसेस है उसको वीड बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन वीड क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमी बेसिस, मोनोकॉट, डाइकॉट हो गया, लाइफ हिस्ट्री में एनुअल, बायनियल, पेरिनियल वीड हो गया, हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एरियल वीड हो गया, ऑरिजिन में इंडिजिनस वीड, एलियन वीड, एसोसिएशन में सीजन बाउंड, क्रॉप बाउंड एंड क्रॉप एसोसिएटेड। सीजन बाउंड क्रॉप बाउंड वीड होता है वो पैरासाइटिक वीड होता है, ठीक है। हो गया एलियन वीड, हम बायोलॉजिकल मेथड में इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिजिनस वीड को कंट्रोल नहीं कर सकते बायोलॉजिकल मेथड में। देन हमारा जो एनुअल वीड है उसका सीड प्रोडक्शन, सीड के थ्रू जनरली वो जर्मिनेट, मतलब उसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन पेरिनियल का बहुत सीड एंड उसका वेजिटेटिव पार्ट भी उसमें शामिल होता है, ठीक है। देन वीड इकोलॉजी, व्हाट इज वीड इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स जनरली ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, दैट इज इकोलॉजी। वीड इकोलॉजी क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन वीड एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक एंड अडेप्टेशन दैट एनाबल्स वीड्स टू सर्वाइव द चेंज इन एनवायरमेंट कॉल्ड वीड इकोलॉजी। परसिस्टेंस ऑफ वीड्स क्या है, परसिस्टेंस ऑफ वीड्स द अडेप्टिव कैपेबिलिटी ऑफ वीड टू एनी एनवायरमेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाप्टिव फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर है। एनुअल्स मेनली रिप्रोड्यूस बाई सीड एंड पेरिनियल्स बाई बोथ सीड्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली, ठीक है, वेजिटेटिवली मेनली एनुअल्स आर प्रोपोगेटेड बाई सीड्स एंड पेरिनियल्स आर प्रोपोगेटेड बाई वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी क्या है, एनेबल्स टू सर्वाइव देम फॉर लंगर पीरियड, ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी, इनर डॉर्मेंसी, इंड्यूस डॉर्मेंसी एंड एनफोर्स डॉर्मेंसी। सर्वाइवल मेकानिज्म क्या क्या है वीड में, हायर सीड प्रोडक्शन, सीड बैंक एंड सीड ड्रेन, स्पेशल डिस्पर्सल मैकेनिज्म, विंड, वाटर, क्रॉप मशीनरी, डॉर्मेंसी, इनेट, इंड्यूस एंड फोर्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइजोम, स्टोलन, ट्यूबर, बल्ब, कॉम, रूट, स्टेम, हार्डीनेस, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, सिलेक्टिव इन्वेजन, विड सक्सेशन, दिस आर द सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉलोड इन विड्स, ठीक है। देन क्रॉप विड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कब होता है, जब लिमिटेड रिसोर्स रहता है और दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन इज द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर बोथ क्रॉप्स एंड वीड्स, ठीक है, क्या क्या रिसोर्स, वाटर, न्यूट्रिएंट, लाइट, स्पेस, ओके। क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन इज अ फंक्शन ऑफ वीड, क्रॉप, एनवायरमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट। वीड डेंसिटी वर्सेस क्रॉप यील्ड हैव सिग्मॉइड एंड कर्वलिनियर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन वीड डेंसिटी एंड क्रॉप यील्ड इज सिग्मॉइड और कर्वलिनियर, ठीक है। वाइल विद ड्राई मैटर वर्सेस क्रॉप जो रिलेशनशिप है ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड और क्रॉप विद कंपटीशन इज द टाइम स्पैन, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप कंपटीशन इज द टाइम स्पैन इन क्रॉप पीरियड व्हेन वीडिंग रिजल्ट्स मैक्सिमम एक्सेप्टेबल क्रॉप यील्ड, सच एज 1/4 to 1/3 ऑफ क्रॉप पीरियड कंसिडर्ड क्रिटिकल इन मोस्ट क्रॉप्स, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड क्या है, जिस ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप ग्रोथ जिसमें हम वीडिंग करेंगे तब मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिलेगा, ठीक है। वीड कम्पीटिंग एबिलिटी इन विंटर सीरियल, बार्ली सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव है, देन रे, देन वीड, देन ओट्स, ठीक है, सॉरी। इंटरफेरेंस इंक्लूड्स एलेलोस पॉली और कंपटीशन, एलेलोपैथी, ऑटोटॉक्सिसिटी, सॉइल सिकनेस एंड एलेलोमेडिएशन। थ्रेशोल्ड वीड कंपटीशन, ठीक है, पीरियड थ्रेशोल्ड है, इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है, क्वांटिटी और डेंसिटी थ्रेशोल्ड है, डैमेज थ्रेशोल्ड, इकोनॉमिक वीड थ्रेशोल्ड, एक्शन थ्रेशोल्ड, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटेड वीड कंट्रोल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होता है, स्टॉप वीड्स फ्रॉम कंटामिनेटिंग एन एरिया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज प्रीफर देन कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग वीड इन्फेस्टेशन। इरेडिकेशन क्या है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ वीड, प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन रिक्वायर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। प्रिवेंशन इरेडिकेशन इजिली नहीं होता है, इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है।
मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। मेथड्स में क्या क्या आता है, कल्चरल मेथड जिसमें क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, कवर क्रॉप, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। मैकेनिकल और फिजिकल मेथड में टिलेज, बर्निंग, मूविंग, बायोलॉजिकल मेथड, बायो कंट्रोल, बायो हर्बिसाइड, केमिकल मेथड में सिंथेटिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड। IW में क्या है, इसका जो भी बेनिफिट्स है, सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, लॉन्ग टर्म अप्रोच, कंबाइनिंग डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स टू ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड एंड प्रॉफिट व्हाइल प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हैजर्ड। IWM में मैकेनिकल मेथड भी इंक्लूड, केमिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल इवेंट मेथड, ठीक है। ये सब को कंबाइन करके जो भी इफेक्टिवली मैनेज करना वीड को, दैट इज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ठीक। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इट इज़ द शिफ्ट ऑफ क्रॉप क्रॉपिंग सिस्टम टू अनदर मोर सस्टेनेबल लोकेशन स्पेसिफिक नीड बेस्ड वन टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज इज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। अप्रोचेस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन दैट इज क्रॉप सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन, अदर्स लैंड बेस्ड, वाटर बेस्ड एंड वेजिटल। देन मेजर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हम मेजर कैसे करेंगे, हर्पिंडाल इंडेक्स हो गया, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स जिसका वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 हो गया कंप्लीट डाइवर्सिफाइड एंड 1 हो गया कंप्लीट स्पेशलाइज वन। देन OGV इंडेक्स, एंट्रोपी इंडेक्स, दीज आर द इंडेक्स फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एरिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, लो टू हाई वैल्यू क्रॉप, वाटर लविंग टू वाटर सेविंग क्रॉप लाइक एरोबिक्स, री मोनोक्रॉप टू मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉपिंग सिस्टम टू फार्मिंग सिस्टम, फार्म फ्रॉम प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, दीज आर द एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देन लो यील्डिंग फूड ग्रेन क्रॉप टू मिक्सड फार्मिंग, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हजबेंड्री, ठीक है। दीज आर सम ऑफ ऑप्शन फॉर डाइवर्सिफिकेशन लाइक डाइवर्सिफिकेशन सिस्टम, ऑफ फार्म डाइवर्सिफिकेशन, ऑन फार्म डाइवर्सिफिकेशन। बेनिफिट्स क्या क्या है, एक तो रिड्यूस रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हायर लेवल ऑफ इनकम, हेल्प ओवरकमिंग पॉवर्टी, ठीक। देन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट आजकल आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में आता है कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो गया, हरियाणा में, पंजाब में बहुत पॉल्यूशन हो गया, पंजाब में खेती जला रहे हैं, हरियाणा में खेती जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं ये सोचना पड़ेगा, क्यों जला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेसिड्यू है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, और जो रेसिड्यू है वो लोग मतलब उसको घर ले जाके फिर काओ को नहीं खिलाते हैं, या फिर ठीक है, तो वो पड़ा रहता है, फिर नेक्स्ट सीजन क्रॉप करने के लिए वो क्या करेंगे, उसको मिट्टी से मिला लेंगे तो इतना जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका CN रेशियो बहुत हाई है, ठीक है, तो डिकम्पोज में टाइम लगेगा, तो इसीलिए वो जला देते हैं वहीं पे। तो उसका धुआं जो निकलता है, आस निकलता है या फिर जो फ्यूम निकलता है वो आके दिल्ली में पॉल्यूट करता है, ठीक। तो उसके लिए बहुत सारे पॉलिसी लेवल में बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, फिर भी चलो देखते हैं। 500 मिलियन टन एस्टिमेटेड रेसिड्यू प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर आर 362 मिलियन टन फ्रॉम सीरियल क्रॉप्स कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द रेसिड्यू टिपिकली बॉर्न ऑन फार्म, ठीक। 140 बिलियन मेट्रिक टन एग्री बायोमास जनरेटेड एवरी ईयर ग्लोबली, क्रॉप बर्निंग कॉज सिवियर पॉल्यूशन लोकल एज वेल एज ग्लोबल स्केल, ठीक है। ये सब देख लो एक बार, सीरियल कंट्रीब्यूट 70% ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 362 मिलियन सीरियल में हो गया, 500 मिलियन हो गया टोटल इंडिया में, देन 140 बिलियन मेट्रिक टन हो गया ग्लोबली, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पैडी रेसिड्यू बर्निंग, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम, स्मोक एंड सूट पार्टिकल, सॉइल इरोजन एंड हार्डनिंग, किल ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सॉइल, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल लॉस इन सॉइल, ठीक है। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव, क्या क्या मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव है, लाइक फोडर और अदर क्रॉप, बायोचार, गैसिफिकेशन प्रोसेस में बायोचार डेवलप करना, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन इन सॉइल, मल्चिंग, कंपोस्टिंग, डायरेक्ट सीडिंग और हैप्पी सीडर, यूजिंग हैप्पी सीडर, बर्निंग, ये सब ऑप्शन है, लेकिन बर्निंग इज हार्मफुल, ओके। ओके, ये हो गया यूनिट 1, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2, और सो ओके, टिल देन बाय बाय।